हेल्थ कार्ड हम लेके आए और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये गरीब घराने के लिए कितनी बड़ी नेमत है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो आज सर थी तकलीफ में थी, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था। मैं एक डॉक्टर को मेयो हॉस्पिटल में, मुझे अभी भी याद है, डॉक्टर मसूद होते थे, मैं उनको उनसे कंसल्ट करने गया अपनी वालदा के ऊपर। बाहर मुझे उसकी वेटिंग में एक आदमी नजर आ गया, बूढ़ा आदमी। वो जाके उससे वहां पूछ रहा था कि मेरा, उसका दवाई मांग रहा था वो, कोई दवा उसके उसके जो कंपाउंडर जो भी होता है उसके पास, कह रहा था कि एक तरफ पर्ची पकड़ी हुई है, एक तरफ दवाइयां पकड़ी हुई। कहता मैंने सारी दवाइयां ले ली हैं। उसने कहा नहीं आपने नहीं ली, आपने अभी ये भी लेनी है। तो उसकी मैंने शक्ल देखी, बूढ़ा आदमी। तो जब वो गया मैंने उससे पूछा क्या हुआ उससे, उसने कहा ये सारा दिन मजदूरी करता है और सारी रात अपने भाई के साथ बैठता जो कैंसर से मर रहा है। तब मैंने फैसला किया कि हमारे जैसे लोगों को इतनी तकलीफ, इमेजिन करें बेचारे गरीबों के ऊपर क्या गुजरती। तो सोचे कि किसी घर पे बीमारी होती है, वो पहले से ही सबसिस्टेंस मुश्किल से अपना, और आजकल के जमाने में तो मैं सोच भी नहीं सकता कि बिजली का बिल दे, बच्चों के स्कूल फीस दे, क्या करे। और एक बीमारी होती है, सारी एविडेंस शो करती है कि एक ऐसी बीमारी आती है सबसे ज्यादा जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाते हैं, वो एक घर में बीमारी आ जाती है, उसमें सारा घर बार अपना पैसा पूसा खर्च करके मुकरूज हो जाता है। तो वो हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया। और वो बेहसी देखे इन लोगों की, वो ये कह रही है कि इमरान खान को फायदा हो जाएगा इससे, इसलिए बंद कर दो वो। और वो दूसरा भी सोच रहे हैं, हाँ हाँ वो कह रहा है, वो दूसरा कह रहा है, वो शहबाज शरीफ, कि हाँ हाँ बंद कर देते हैं और मैं कहूंगा हमारे पास पैसा नहीं है।